व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ कलाई की साइड में हम कफ स्टाइल में पट्टी अटैच करेंगे। तो फ्यूजिंग की एक इंच स्ट्रिप को कट करके हमने कपड़े पे चिपका के इसको इस तरह से सेट किया है, और यहाँ एक साइड पे हमने सिलाई का मार्जिन लिया है। तो अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर ऊपर की साइड में टर्न करते हुए यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जब हम यहाँ इसको ऊपर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ ऊपर और नीचे डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ अपनी फिटिंग के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमारे स्लीव्स की फिटिंग है 5.5 इंच, तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए इनर स्लीव की सिलाई को मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव को कमीज के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स, हमने तीरे का सेंटर करने के बाद सेंटर में कट लगाया है। तो अब हम साइड सिलाई से स्लीव की इनर सिलाई को मैच करेंगे। इसको अंदर इस तरह से सेट करते हुए स्लीव की इनर सिलाई से हम साइड सिलाई को मैच करते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे। और यहाँ स्लीव का सेंटर और तीरे का सेंटर करने के बाद हम यहाँ भी पिन लगाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे।
व्यूज ये हमने एक स्लीव को अटैच कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी अटैच करेंगे। व्यूज हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, अब हम इस तरह से गले को पकड़ते हुए दोनों साइड्स को इस तरह से सेट करते हुए हम बैक गले की कटिंग करेंगे। व्यूअर्स बैक गले को हम 1 इंच तक कट करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ से हल्का गोल शेप में कट करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हम ऊपर बड़े स्टिचेस की सिलाई लगाएंगे ताकि ये दोनों पार्ट आपस में जॉइन हो जाएं। तो व्यूअर्स हमने गले की कटिंग कर ली है, अब हम बैन कॉलर को रेडी करेंगे। व्यूअर्स ये हमने बाजार से तैयार बैन लिया है, आप अपने साइज के हिसाब से इसको खुद भी कट कर सकते हैं। तो अब हम इसको कपड़े पे इस तरह से रखेंगे और इस्त्री से चिपकाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ नीचे की साइड से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से कपड़े को कट करेंगे। और इसी तरह से ऊपर से भी हम सिलाई का मार्जिन लेते हुए यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स इसी तरह से अब हम बैन कॉलर के दूसरे पीस को रेडी करेंगे। व्यूअर्स हमने बैन के दूसरे पीस को भी कट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे जिस साइड में गुलाई की शेप ज़्यादा है इस साइड पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। यहाँ ऊपर की साइड में एक पैर के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम इस बैन को दूसरे पीस पे सेट करते हुए इस तरह से यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। व्यूअर्स अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके यहाँ पे अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे।
कॉर्नर पर भी कट लगाएंगे इस तरह से। व्यूअर्स अब हम पैन कॉलर को प्रेस करेंगे और फिर कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। व्यूअर्स हमने पैन को प्रेस करके यहाँ सेंटर में कट लगा लिया है, तो अब हम पैन के सेंटर से गले का सेंटर सेट करते हुए यहाँ सेंटर से सिलाई यहाँ पे इस साइड पे लेके जाएंगे और फिर यहाँ सेंटर से सिलाई यहाँ पे दूसरी साइड में लेके जाएंगे इस तरह से। व्यूअर्स अब हम यहाँ सिलाई के मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ इस किनारे से सिलाई सेंटर तक और फिर यहाँ दूसरे किनारे से सिलाई सेंटर तक लेके आएंगे।
व्यूअर्स, अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए यहाँ ऊपर किनारे पे भी एक सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, अब ये हमारा बैंड कॉलर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ ब्लैकेट पे बटन लगाएंगे और फुल सूट वीडियो आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, बज़ाहिर ये एक सिंपल सूट था, लेकिन हमारे बिगिनर्स की पुरजोर फरमाइश पे इसकी कटिंग और स्टिचिंग पहले सूट से डिफरेंट अंदाज में की गई, क्योंकि हमारे बिगिनर्स का ये कहना था कि आपकी पहली वीडियोस ट्रेन टेलर्स के लिए हैं, बिगिनर्स के लिए नहीं। तो लिहाजा हमने उनकी फरमाइश पे ये सूट दोबारा से रेडी किया और हर चीज़ को जूम आउट करके समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टिचिंग और समझाने का अंदाज़ बहुत पसंद आएगा। तो हमेशा की तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए ग्लैमरस डिज़ाइनिंग वीडियोस। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।